तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या मोदी सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने वाली है तो क्यों बढ़ाने वाली है और इस लॉकडाउन से बढ़ाने से भारत को क्या झेलना पड़ेगा और कब तक ये लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों ये सब जानने से पहले ना हमें भारत में लॉकडाउन अनाउंसमेंट से पहले की स्थिति को जानना पड़ेगा। भारत में लॉकडाउन अनाउंस किया गया है 24 मार्च को और 23 मार्च को भारत के अंदर 455 यानी 455 केसेस एक्टिव थे जिसके अंदर 10 लोगों की मृत्यु हुई थी। भारत शायद पहला ऐसा देश था जिसने इतने केसेस के अंदर लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। लेकिन क्या लॉकडाउन का फायदा हुआ? तो वही भारत में इस वीडियो के बनाए जाने तक जो स्थिति है उसके अनुसार 6700 जो लोग हैं वो एक्टिव हैं इस बीमारी से और करीब करीब 225 यानी 225 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यानी कि जो आंकड़ा है वो लॉकडाउन अनाउंसमेंट से पहले से अगर हम कंपेयर करें तो करीब करीब 15 गुना बढ़ चुका है। तो ये लॉकडाउन का फायदा ही क्या हुआ? तो दोस्तों फायदा देखने के लिए हम भारत के जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सिर्फ एक स्टेट यानी कि न्यूयॉर्क के साथ। 3 मार्च को भारत और न्यूयॉर्क में ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ केसेस थे लेकिन 7 अप्रैल तक आते आते न्यूयॉर्क में 1,38,000 और भारत में 5,300 केसेस थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत ने पहले ही इफेक्टिव मेजर्स लिए थे इस बीमारी को रोकने के लिए और जब केसेस 500 तक पहुंच गए इफेक्टिव मेजर्स के बाद भी तो भारत ने सीधा लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। वहीं यूएस को देखें तो यूएस के अंदर 22 मार्च को न्यूयॉर्क के कुछ शहरों में लॉकडाउन अनाउंस किया गया है, वो भी तब जबकि केसेस जो थे वो 15,000 पार कर चुके थे न्यूयॉर्क के अंदर, यानी कि कम्युनिटी में ऑलरेडी फैल चुके थे। तो क्या लॉकडाउन का फायदा भारत को हुआ है? जी हां, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से ही ये जो बीमारी है भारत के अंदर कम्युनिटी में बुरी तरीके से स्प्रेड नहीं हुई है। लेकिन क्या भारत लॉकडाउन खत्म करने की स्थिति में है? जी नहीं, क्योंकि आप 1 अप्रैल से अब तक का ग्राफ देख सकते हैं, रोज करीब करीब 500 केसेस बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में मान लीजिए कि लॉकडाउन खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे से मिलना चालू कर दें, ऑफिस जाना चालू कर दें, कम्युनिटी मीटिंग शुरू हो जाएं, तो ये जो 500 केसेस हैं कब में 5,000 और कब में 50,000 हो जाएंगे शायद पता भी नहीं चलेगा भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर जो लोग हैं वो कम्युनिटी वाइज बहुत ज्यादा लिंक्ड होते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, ज्वाइंट फैमिली। यूएस में तो ऐसा है भी नहीं, तब भी दिन के 30,000 केस बढ़ रहे हैं और इसी वजह से शायद जो है लॉकडाउन वो ना खुले। लेकिन क्या ये बात मैं अंदाजे से कह रहा हूं? तो उसके लिए हमें डिफरेंट राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं उनके बयान सुनने चाहिए और मोदी ने उसके बाद क्या कहा है वो भी सुनना चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमें करीब करीब 2 हफ्ते से लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए। आई थिंक हमारे पास कोई चारा नहीं है, लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए 15 अप्रैल के बाद में भी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि लॉकडाउन को 15 तारीख के बाद भी एक्सटेंड करना चाहिए, इसमें कोई झिझकने की जरूरत नहीं है। वहीं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मोदी को लेटर लिखकर स्थिति की चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि इकॉनमी तो फिर से खड़ी हो जाएगी लेकिन अगर लोगों की जान चली गई तो वो फिर से नहीं आएगी, लॉकडाउन खींचना चाहिए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी 6 अप्रैल को कहा है कि अभी लॉकडाउन हटाना सही नहीं है, ये यूपी शासन के ऑफिशियल ट्वीट आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में भी एक बार साफ कर दिया है कि एटलीस्ट जो हॉटस्पॉट्स हैं वो राज्य के अंदर लॉकडाउन में ही रहेंगे और ऐसा ही बयान आया है राजस्थान से भी। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री का बयान है कि लॉकडाउन तभी हटेगा जब स्थिति काबू में आ जाएंगी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते से बढ़ा देना चाहिए। अब भारत के अंदर जो है वो संघीय ढांचा है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को जो लॉकडाउन है उसको बंद करने की बात भी कर देते हैं तो उसके बावजूद भी जो राज्य सरकारें हैं वो अपना निर्णय ले सकती हैं कि हम अपने राज्य में लॉकडाउन लगाने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं इस मुद्दे के बारे में आपको पता है? ऑफिशियल बयान तो नहीं आया है लेकिन नरेंद्र मोदी जो हैं आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग के दौरान की एक वीडियो क्लिप को लीक कर दिया ममता बनर्जी के एक नेता ने, वो वीडियो आपको जरूर सुनना चाहिए। मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि हमें लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा, 2 मिनट का वीडियो है, जरूर सुने। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के सटीक आकलन करना बहुत मुश्किल होगा और इसलिए दुनिया भर के देश सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन और जिसमें आप सबने भी एक ही स्वर से समर्थन किया है उसी उपायों पर आज दुनिया टिकी हुई है।
गहरी एक रास्ता लोगों का कच्चा होता है। आने वाले दिनों में जैसा आपने सुझाव दिया है कि अचानक तो बिल्कुल न खुला जाए, उसमें भी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, एग्जिट रूट भी अलग अलग तरीके से होना चाहिए। और आज सभी जो मुख्यमंत्रियों से मेरी तरफ बात हो रही हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल से यहां से जो चर्चाएं हो रही है, आज लॉकडाउन उठाना एडवाइजेबल है ऐसा कहीं से आ नहीं रहा है। और इसलिए आने वाले दिनों में जब फिर से एक बार मुख्यमंत्री वगैरह सबसे बात करूंगा, लेकिन अभी का जो सुर आ रहा है वो यही आ रहा है कि लॉकडाउन उठाना इतना सरल नहीं है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आवश्यक जो नॉर्म्स का पालन करने के लिए कुछ कठोरता बरतनी पड़ेगी। सारे जो भारत में हम आज की स्थिति एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी जैसी है, उसी से हम गुजर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमें समय समय पर अप्रत्याशित निर्णय करने पड़ रहे हैं और आगे भी कुछ न कुछ ऐसे कठोर निर्णय करने की नौबत आएगी। जहां तक लॉकडाउन की बात है, मैंने पहले ही कहा कि लॉकडाउन को उठाने के संबंध में, लॉकडाउन को बढ़ाने के संबंध में करीब करीब मोड़ बन रहा है कि एकदम से लॉकडाउन उठाना तो संभव नहीं होगा। यानी आप ये मानकर चलिए कि जो लॉकडाउन बढ़ने की खबर है ना, ये आपके पास कभी भी आ सकती है और कम से कम दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन कम से कम बढ़ सकता है। इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अब इन रीजन की जो डिटेल में जाने का टाइम आ गया है वो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि 500 केसेस पूरे देश के अंदर थे लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन हमने अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि केस कम तो हुए नहीं, लेकिन आजकल 500 केसेस रोज के रोज बढ़ रहे हैं। तो भाई 12 मार्च को ना दिल्ली सरकार ने 200 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। इस समय जो भारत के अंदर टोटल एक्टिव केसेस थे वो 70 थे और ये दिल्ली सरकार का बहुत अच्छा कदम था। लेकिन 13 से 15 मार्च तक दिल्ली के बीचों बीच निजामुद्दीन में हजारों लोगों का तबलीगी जमात के एक जलसा लगता है और इसके अंदर बहुत से लोग जो होते हैं विदेश से भी आते हैं। 11 मार्च को इस बीमारी से पहली मृत्यु के बाद भारत जो है वो विदेशी लोगों के सारे टूरिस्ट वीजा, बाकी वीजा जो है कैंसिल करने वाला पहला देश बन चुका था। लेकिन उस समय तक थोड़ी सी देर हो चुकी थी, क्यों? क्योंकि जो तबलीगी वाले हैं ना, उस समय तक भारत में घुस चुके थे। दिल्ली का ये इवेंट अटेंड करने के बाद ये जो लोग थे तबलीगी वाले, ये अपने-अपने प्रांतों में चले गए, अपने-अपने प्रदेश में चले गए, अपने-अपने घरों में चले गए, अपनी-अपनी कम्युनिटीज में चले गए और अपने साथ अपनी बीमारी भी ले गए। अब इन लोगों को राज्य सरकारों ने किस तरीके से पकड़ा है, क्या-क्या किया है, ये कभी और डिस्कस करके बताऊंगा, लेकिन इन लोगों की वजह से भारत को क्या झेलना पड़ा है उसका छोटा सा नमूना दिखाता हूं। महाराष्ट्र के अंदर 30 मार्च तक 216 केसेस, 30 मार्च से जब से तबलीगी वाले जो हैं पकड़े जाने लगे और 8 अप्रैल तक 919 केसेस, यानी 919 केसेस। और जो 30 मार्च से 8 अप्रैल तक के जो केसेस बने टोटल, उसके अंदर 78% केसेस जो थे वो तबलीगी वालों के थे। इसी तरीके से तमिलनाडु के अंदर 30 मार्च से 8 अप्रैल तक जितने भी केसेस हैं, उसके अंदर से 95% जो केसेस हैं वो तबलीगी वालों के हैं। दिल्ली के अंदर 81%, कर्नाटका के अंदर 41%, उत्तर प्रदेश में 95%, राजस्थान में 74%, आंध्र प्रदेश में 87%, मध्य प्रदेश में 70%, हरियाणा में 66%। और अगर टोटल केसेस की हम बात करें तो 30 मार्च से 8 अप्रैल तक जो टोटल केसेस हैं उसमें से 73% जो हैं वो तबलीगी जमात के केसेस हैं। और इसका जो पूरा सोर्स है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यानी कि इस एक इवेंट से जो हमारा लॉकडाउन का पूरा पर्पस था वो एक तरीके से फेल हो गया और जो हमें कर्व पूरी तरीके से जीरो पर लाना था, गिराना था, वो हम कर नहीं पाए। लेकिन अब जो लॉकडाउन है जो कि बढ़ने ही वाला है किसी भी हालत में आप ये मानकर चलिए, तो उसका क्या नुकसान है जो भारत को झेलना पड़ सकता है? तो एक संस्था है जो कि रिजर्व बैंक से एक्रेडिएशन प्राप्त है, जिसका नाम है एक्टिव रेटिंग्स। वो एक असेसमेंट लगा के बैठी है कि भाई $4.5 बिलियन जो है वो भारत हर रोज लूज कर रहा है और 21 दिन में करीब करीब $100 बिलियन का नुकसान भारत को हो सकता है। लेकिन अभी जो लॉकडाउन हुआ है ना, ये तो जरूरी था क्योंकि भारत के अंदर अदरवाइज जो संक्रमण था वो बहुत बुरी तरीके से फैल सकता था और संभाले नहीं संभलता। लेकिन अगर ये लॉकडाउन के अंदर ही ये सब कुछ कंटेन्ड हो जाता तो अगले लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती और इससे कितना आर्थिक नुकसान बच सकता था आप सोच सकते हैं। एक संस्था की जाहिल गलती के कारण भारत को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। लेकिन अगर आप इस मुद्दे पर बोलते हैं तो जो सेक्युलरिज्म के सांप हैं वो आपको डस लेंगे। लेकिन क्या इतना लंबा जो लॉकडाउन है वो किसी और देश ने भी दिया है? तो भाई इटली ने ना 9 मार्च को लॉकडाउन लगा दिया था 9000 केसेस होने के बाद, जब वो कम्युनिटी में ऑलरेडी फैल चुका था, उसके बाद लॉकडाउन लगाया था। आज तक लॉकडाउन में पड़ा है, खत्म होने की कोई डेट नहीं दी है। यूनाइटेड किंगडम ने जो है वो 23 मार्च को लगाया है, 6500 केसेस के बाद लगाया था और जो है एंड होने की कोई डेट नहीं है। तो इस सफर में ना आप लोग
अकेले नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि दो हफ्ते से कम लॉकडाउन बढ़ने ही वाला है और उसके बाद एक फर्दर एनालिसिस होगा। जितना ज्यादा आप लोग घर पे रहेंगे उतना जल्दी ही लॉकडाउन खुलने वाला है और उतनी जल्दी ही आप लोग बाहर जाने वाले हैं। अब आप लोग ऐसा करने वाले हैं या नहीं मैं तो नहीं जानता, मैं बहुत भोला आदमी हूँ आप जानते ही हैं, लेकिन आप लोग जानते होंगे। आप हमें बताइए कि आप घर में रहेंगे या नहीं और लॉकडाउन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, इस बारे में भी बताइए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर, जिसका एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई बटन या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका मैं लिंक दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद जय भारत।